क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह धरती के ऊपर एक औरत के द्वारा ही पैदा क्यों हुए? यीशु मसीह चाहते तो इस धरती पर ऐसे ही प्रकट हो सकते थे, तो फिर उन्होंने एक आम इंसान बनकर एक औरत के द्वारा ही जन्म क्यों लिया? परमेश्वर ने औरत को क्या सोच कर बनाया था? अगर इस दुनिया में कोई परमेश्वर सच में है तो फिर आज दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? क्यों मासूम लोग हॉस्पिटल्स में बीमारियों से मर जाते हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं। अगर परमेश्वर इतना ही महान है तो परमेश्वर सब कुछ ठीक, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं कर देता? अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? प्रार्थना का जन्म क्यों हुआ? प्रार्थना करने पर ही परमेश्वर उत्तर क्यों देता है? अब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो अगर परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को जानता ही है, वो जानता है कि किसे चंगाई की जरूरत है, किसे छुटकारे की, किसे बच्चे की आशीष की और किसे प्रमोशन की जरूरत है, तो फिर परमेश्वर हमारे बिना मांगे ही हमें क्यों नहीं देता? परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता है? बिना प्रार्थना के परमेश्वर हमें उत्तर, हमें चंगाई और आशीष क्यों नहीं देता? जब देखो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये प्रार्थना का फंडा क्या है? हमें हमारे स्वर्गीय पिता हमारे परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना क्यों करनी पड़ती है? क्यों लोग प्रार्थना नहीं कर पाते? क्यों शैतान लोगों को प्रार्थना करने से रोकता है? क्यों शैतान आपको यूजलेस कामों में, बेकार के कामों में बिजी रखता है? सारी गेम प्रार्थना की है। आज लोग हर रोज अपनी मन मर्जी के सब काम करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। कुछ तो बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट कर लेते हैं पर कुछ तो वो भी नहीं करते। प्रार्थना करने में ही अड़चनें क्यों पैदा होती हैं? प्रार्थना का जन्म कब हुआ? प्रार्थना की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर हमें बाइबल में मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 26 आयत में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने ये शब्द बोले कि मनुष्य अधिकार रखें, तभी सब कुछ बदल गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। पर जब धरती पर अधिकार रखने की बारी आई तब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आओ हम पृथ्वी पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अधिकार रखें। जब भी परमेश्वर कुछ बोलता है तो वो कानून बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। और यही कारण है कि परमेश्वर बहुत कम बोलता है। लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, पर परमेश्वर इतनी जल्दी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो कानून बन जाएगा और फिर परमेश्वर को वो काम करना ही होगा। अब मनुष्य आत्मा भी है और शरीर भी। आत्मा हमेशा जीवित रहती है पर शरीर मर जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया है, इसलिए इस धरती के ऊपर लीगली कानूनी तौर पर अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ इंसान है। अगर किसी आत्मा को इस धरती पर लीगली रहना है, कानूनी तौर पर रहना है, तो वो शरीर में ही रह सकती है। इस धरती पर अकेली आत्मा इलीगल है, गैर कानूनी है। इसीलिए जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा को ये धरती छोड़कर जाना पड़ता है। हर आत्मा जो इस धरती पर बिना शरीर के है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं इस धरती के ऊपर इलीगल है। इस धरती पर अगर कोई काम कर सकता है तो वो शरीर है, बॉडी है। बिना शरीर के, बिना बॉडी के कोई आत्मा काम नहीं कर सकती। अगर सिर्फ आत्मा ही सब कुछ कर सकती तो दुष्ट आत्माओं ने सारी दुनिया को नष्ट कर देना था। इसीलिए दुष्ट आत्माएं शरीर की तलाश में रहती हैं कि कब किसी शरीर पर कब्जा करें, और उस शरीर के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं वो दुष्ट काम, तबाही के कामों को करें। अगर दुष्ट आत्माएं ऐसे ही धरती पर बिना शरीर के काम कर सकती तो आज हर गली मोहल्ले में, हर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक्स, लूट मार हो रही होती। क्रिश्चियंस के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर हर रोज अटैक हो रहे होते, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि आत्माओं की पावर इस धरती के ऊपर लिमिटेड है। इस धरती पर काम करने के लिए उन्हें शरीर की, बॉडी की जरूरत होती है, और वह दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर दाखिल होकर परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के चमत्कारों का विरोध करती हैं। और यही कारण है कि जब परमेश्वर ने इस धरती पर कोई काम करना होता है तो परमेश्वर को भी किसी शरीर की जरूरत होती है। अब अगर परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बिना शरीर के भी इस
इस धरती पर कुछ भी कर सकता है, पर परमेश्वर ऐसा करता नहीं और ना ही कभी ऐसा करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर अपने वचन को ही तोड़ देगा तो फिर परमेश्वर के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 138 उसकी 2 आयत में लिखा, तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं टलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर इतना महान, इतना फेथफुल है कि जो वचन, जो कानून, जो लॉ वो बना देता है उसे वो खुद भी फॉलो करता है। और इसीलिए परमेश्वर इस धरती पर बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है या फिर वो डरता है, बल्कि इसलिए कि वो इतना फेथफुल, इतना वफादार है कि वो अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए वो कभी भी बिना शरीर के इस धरती के ऊपर आकर कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला कि इस धरती पर मनुष्य अधिकार रखें तो वो कानून बन गया, वो लॉ बन गया। और इसीलिए अगर इस धरती पर कुछ भी लीगली करना है तो वो एक आत्मा के द्वारा तभी होगा जब उसके पास एक शरीर होगा, एक बॉडी होगी। और शैतान इस बात को जानता था, वो उस समय आदम और हवा के अंदर तो आ नहीं सकता था, इसलिए वो एक सांप के अंदर आया और उसने हवा को भरमाया और हवा ने उस फल को खाया जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था। और हवा उस फल को अपने पति आदम को भी खिलाती है और वे दोनों पाप करते हैं। जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता है तो उस समय हवा ने परमेश्वर से कहा कि सांप ने मुझे बहकाया और उसके बहकावे में आकर उसने उस फल को खाया। और उस समय परमेश्वर सांप को, उस शैतान को श्रापित करता है जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में आप पढ़ सकते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब परमेश्वर जो कि सबसे बुद्धिमान है, भला परमेश्वर है, उसने शैतान से कहा होगा, ए शैतान तू मुझे अच्छी तरह जानता है, तू मेरे साथ रहा है, तू जानता है कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैं अपने वचन से बंधा हूँ, मैं इस समय धरती पर आकर काम नहीं कर सकता, पर मैं वायदा करता हूँ लूसीफर कि जिस स्त्री को तूने इस्तेमाल किया उन्हें मुझसे दूर करने के लिए और उन्हें नष्ट करने के लिए, उसी स्त्री को मैं इस्तेमाल करूंगा और लीगली कानूनी तौर पर मैं उसके अंदर आऊंगा और वो मुझे एक शरीर देगी, एक बॉडी देगी, और मैं उस शरीर में लीगली आकर, कानूनी तौर पर आकर लीगली तेरे सिर को कुचलूंगा। और यही हुआ क्रिसमस वाले दिन, परमेश्वर इंसान बनकर हमारे बीच में आया। अब परमेश्वर ने मरियम से कहा होगा, मरियम मुझे 9 महीने के लिए तेरी कोख चाहिए। अब मरियम बोली होगी, क्यों? परमेश्वर ने कहा होगा मैं लीगली कानूनी तौर पर इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ। लूका अध्याय 1 उसकी 31 आयत में स्वर्ग दूत ने मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आज एक औरत को पता नहीं कि वो कितनी आशीषित और कितनी सामर्थी है। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर औरत को बना रहा था तब परमेश्वर अपने बारे में सोच रहा था? उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि शैतान ये औरत तेरे लिए मुसीबत होगी, ये तेरा जीना मुश्किल कर देगी। शैतान को पता था कि औरत उसके लिए मुसीबत पैदा करेगी, औरत का वंश उसके सिर को कुचलेगा, और इसीलिए उसने औरत को करप्ट करना शुरू किया। स्वर्ग दूतों को भरमाया कि वे धरती पर जाकर स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाएं और उनसे शादी करके बच्चे पैदा करें। और इसी तरह उन औरतों और उन स्वर्ग दूतों के मेल से दानव पैदा हुए, और ऐसे ही चलते चलते औरत का बीज खतरे में पड़ने लगा। और इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा ताकि सब करप्ट सृष्टि को खत्म किया जाए। इसके बारे में आप दानवों पर बनी वीडियोस को हमारे YouTube चैनल होली स्पिरिट प्रोडक्शंस पर देख सकते हैं। आज शैतान औरत के पीछे क्यों है? क्यों औरतों को बच्चा जनने में प्रॉब्लम्स आती हैं? क्यों औरतों को बच्चे की आशीष लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं? अबॉर्शंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और तो और सरकारें अबॉर्शंस को लीगल करती जा रही हैं। नफरत करता है शैतान बच्चों से, स्त्रियों से, क्योंकि वो जानता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, फिर चाहे वो बिलीवर के घर पैदा हो या नॉन बिलीवर के, वो बच्चा आगे चलकर उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, वो बच्चा दूसरे लोगों के उद्धार का कारण बन सकता है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होना होता था जो शैतान के राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता था, तब तब शैतान ने
बच्चों पर अटैक्स करवाए, बच्चों को मरवाना चाहा। फिर चाहे वो मूसा के समय में हो या फिर यीशु मसीह के जन्म के समय में, जब मूसा पैदा होने वाला था तो बाइबल बताती है कि शैतान ने यहूदी लोगों के सब नव जन्मे लड़कों को मरवा डाला। और यही हुआ जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के सब लड़कों को मरवा डाला। औरत के पास ये गिफ्ट है, एक बच्चे को, परमेश्वर के योद्धा को, परमेश्वर के सोल्जर को इस दुनिया में लेकर आने की। इंडिया जैसी और भी कई कंट्रीज हैं जहां पर लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। आज भी लोग लड़की की जगह लड़का पाने के चक्कर में लड़कियों के अबॉर्शन करवा देते हैं। आपको क्या लगता है, ये चीजें नॉर्मल हैं या इंसान के द्वारा सेटअप की गई हैं? नहीं, ये सब शैतान के प्लान्स हैं। यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से तो वो रोक नहीं पाया, पर अब उसकी कोशिश ये होती है कि फ्यूचर में आने वाले परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को पैदा ही ना होने दिया जाए। अगर औरत ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? बाइबल बताती है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से तोहफे, गिफ्ट होते हैं। यशायाह 7:14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। यानी यशायाह बोला होगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने क्या देखा? मैंने परमेश्वर को एक कुंवारी के गर्भ में देखा, मैंने परमेश्वर को एक इंसानी शरीर के अंदर देखा। परमेश्वर जल्द आ रहा है लीगली, और वो आदम के द्वारा खोए गए अधिकारों को वापस ले लेगा। अब मरियम के गर्भ में परमेश्वर आ जाता है। आज औरत को नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है। जब परमेश्वर औरत को बना रहा था तो उसने औरत को अपने लिए बनाया। परमेश्वर जानता है कि क्या होने वाला है। परमेश्वर जानता था कि आदम हवा पाप करेंगे, और इसलिए उसने औरत को इसी हिसाब से डिजाइन किया कि जब औरत गर्भवती होती है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे का और माँ का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर कितना परफेक्ट है, कितना बुद्धिमान है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, खाना पीना सब कुछ माँ के शरीर से ही रिसीव करता है। पर कितनी हैरान करने वाली बात है कि माँ बच्चे का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। बच्चे का ब्लड ग्रुप जो मर्जी हो वो कभी भी माँ के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में होता है और उनका ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये तमाचा था शैतान के चेहरे पर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही औरत के गर्भ में आने के लिए इंतजाम किए हुए थे। परमेश्वर ने शैतान से कहा होगा, शैतान तू फंस गया, क्योंकि मैंने अपने आने का इंतजाम किया हुआ है। औरत मुझे बीज देगी और उसका खून बच्चे के खून के साथ मिक्स नहीं होगा। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो पाप उनकी ब्लड लाइन से उनके वंश में चला आ रहा था। क्योंकि हम सब आदम और हवा के वंशज हैं, इसलिए हम सब पापी ही पैदा होते हैं। गर्भ ही से हम पापी पैदा होते हैं। भजन संहिता 51:5 में दाऊद ने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद ने कहा कि वो अपनी माता के गर्भ ही में पापी था। वो पापी इसलिए नहीं था कि उसकी माँ ने किसी गलत रिलेशन के साथ गर्भ धारण किया था। वो पापी इसलिए था क्योंकि उसकी माता ने अपने माता पिता से पापी स्वभाव ग्रहण किया था, और आगे उन्होंने अपने माता पिता, दादा पर दादा, उनके पुरखाओं से पाप उनके खून में चला आ रहा था। और इसीलिए आज कोई जितना मर्जी अच्छा बन जाए, जितना मर्जी धर्म के काम कर ले, वो फिर भी पापी ही कहलाएगा, क्योंकि पाप उसके खून में है। अब पापी पैदा होने के कारण ही हम सब पाप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं सिखाता कि जेलसी करनी है या चोरी करनी है, पर ये सब वो खुद ब खुद करने लग जाते हैं, क्योंकि पाप उनके खून में उन्हें विरासत में मिलता है। अब आदम और हवा के पाप के कारण सब लोग पापी पैदा होते थे, क्योंकि आदम का बीज भी पाप से भरा था, करप्ट हुआ पड़ा था। अब अगर यूसुफ और मरियम के मेल से बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा प्योर ब्लड नहीं होता, और अगर यीशु मसीह प्योर ब्लड नहीं होते तो उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होना था। और इसीलिए यीशु मसीह का पिता यूसुफ नहीं था, यीशु मसीह का पिता खुद यहोवा परमेश्वर थे। अब यहोवा परमेश्वर मरियम के गर्भ के ऊपर अपना वचन बोलते हैं, और वो वचन बॉडी का रूप लेता है, जिसके बारे में यूहन्ना 1:1-14 में हम पढ़ सकते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 14 में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते
इकलौते की महिमा। वो वचन यीशु मसीह थे जो मरियम के गर्भ में थे। अब यीशु मसीह का ब्लड प्योर ब्लड था। वो ना तो माँ के ब्लड के साथ मिक्स हुआ और ना ही इस धरती के पिता के करप्ट ब्लड के साथ, क्योंकि वो ब्लड स्वर्गीय पिता परमेश्वर का था। वो ब्लड गॉड ब्लड था और जब वो बच्चा हुआ तो उसका प्योर ब्लड था, पवित्र ब्लड था, और उसी के प्योर ब्लड ने सारी दुनिया को पाक साफ किया। अब ब्लड ने कैसे साफ किया ये एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। यीशु मसीह के ब्लड के अंदर परमेश्वर का डीएनए था। यीशु मसीह के अंदर मरियम का ब्लड नहीं था, बल्कि मरियम खुद यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा बचाई गई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपका जीवन बदलने जा रहे हैं। यशाया अध्याय 9:6 में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब दोबारा इस आयत को सुनिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब बालक तो पैदा हुआ है, पर बेटा पैदा नहीं हुआ। बेटा परमेश्वर ने दिया। मरियम ने बच्चा पैदा किया, पर बेटा परमेश्वर ने दिया। मरियम ने शरीर पैदा किया, पर आत्मा परमेश्वर ने दी। मरियम ने घर तैयार किया, पर परमेश्वर ने उसके अंदर रहने वाला आत्मा दिया। और इसीलिए लिखा है कि हमारे लिए बालक यानी बच्चा पैदा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। पुत्र पैदा नहीं हुआ, पुत्र दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि पुत्र हमेशा से ही है। पुत्र की ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। अब मरियम यीशु की माँ तो है, पर वो मसीह की माँ नहीं है। यीशु जीसस शरीर है, पर यीशु के अंदर आत्मा मसीह की है, क्राइस्ट की है। अगर आपको समझ ना आए तो इसे रिवाइंड करके दोबारा सुनो। मसीह क्राइस्ट कोई नाम नहीं है जो यीशु के नाम के साथ लगा दिया गया और बन गया। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट। मसीह एक टाइटल है, एक शीर्षक है, जिसका मतलब है अभिषिक्त, द अनॉइंटेड वन। और मसीह पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह परमेश्वर है, वो पहले से ही है। इस दुनिया को मसीह ने बनाया है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्वर्गदूत ने आकर कहा हो कि बच्चे का नाम यीशु मसीह रखना। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास और मरियम के पास आया तो उसने दोनों से कहा कि बच्चे का नाम यीशु रखना। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह रखना। इसके बारे में लूका अध्याय 1 उसकी 30:31 आयत में हम पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। फिर मत्ती अध्याय 1:20 आयत में स्वर्ग दूत ने यूसुफ से कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु जीसस बॉडी है, शरीर है, और मसीह यानी क्राइस्ट आत्मा है जो कि खुदा है, और इसीलिए उन्हें यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। यीशु ने मसीह को इस धरती के ऊपर लीगल बनाया, कानूनी तौर पर रहने और काम करने योग्य बनाया। बिना किसी डाउट्स और सवालों के इन वचनों को सुनते जाइए। मैं हर बात को परमेश्वर के वचन के साथ प्रूव करता जाऊंगा। अब मनुष्य के पास अधिकार है प्रार्थना करने का, और यही कारण था कि यीशु मसीह इस धरती पर प्रार्थना कर सकते थे, क्योंकि वो इस धरती पर लीगल थे, वो शरीर में थे। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक लाइसेंस है जो हम परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर इस धरती पर आकर काम कर सके, बिना इंसान की मर्जी के, बिना इनविटेशन के, बिना इंसान के एग्रीमेंट के। परमेश्वर इस धरती पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस धरती के ऊपर अधिकार मनुष्य का है, और बिना मनुष्य की मर्जी के परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ नहीं करेगा। आज लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स में मासूम लोग और तो और छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सब तरफ करप्शन ही करप्शन, बुराई ही बुराई बढ़ती जा रही है। अगर परमेश्वर सच में है तो फिर वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं करता? क्यों सब तरफ दुख ही दुख नजर आता है? क्यों मासूम लोग बिना बात के मारे जाते हैं? क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? क्यों मेरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा? क्यों मेरा बिजनेस बढ़ता नहीं? कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है बड़े बड़े चमत्कार करने वाला जीवित परमेश्वर? तो जवाब ये है कि मासूम लोग मरते हैं तो मर जाएं, बिजनेस फ्लॉप होते हैं तो हो जाएं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक कोई इंसान परमेश्वर को इस धरती पर इनवाइट नहीं करेगा कि परमेश्वर इस धरती पर आए और सब कुछ ठीक करें।
और वो इनविटेशन हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर को देते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, उसकी विल है कि सब लोग शांति में रहें, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुखी ना हो। पर बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। इसका मतलब है कि जैसी परमेश्वर की मर्जी है, जैसी परमेश्वर की एक अपनी इच्छा है, वैसे ही हमारी भी एक इच्छा है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, हमें कोई मशीन नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उसने उन्हें रोबोट्स नहीं बनाया था। एक रोबोट वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो, उसे तैयार किया गया हो। वो कभी भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी इच्छा के मालिक बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है तुम ना तो उसके फल को खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर की आज्ञा को मानना है या नहीं, ये आदम और हवा की अपनी इच्छा, अपनी विल थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को उनके ऊपर थोपा नहीं। परमेश्वर अपने वचन में, अपने करैक्टर में इतना वफादार है कि वो जानता था कि आदम और हवा उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे और उस मना किए हुए फल को खाएंगे। फिर भी परमेश्वर ने उनके फैसले में दखल अंदाजी नहीं की, जबरदस्ती उन्हें अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि आदम और हवा को अपना फैसला लेने दिया, क्योंकि वे अपनी इच्छा के, अपनी मर्जी के मालिक थे। और परमेश्वर अपनी इच्छा किसी के ऊपर नहीं थोपता, और आज भी ऐसा ही है। अब परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि लोग बचाए जाएं, लोग परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलें और आशीषित हों। पर ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में अपनाते नहीं। और ये पॉसिबल होता है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ही में हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में आने का और काम करने का इनविटेशन देते हैं, उसे लाइसेंस देते हैं, उसे परमिट देते हैं। और हर एक जन की एक अपनी इच्छा, एक अपनी मर्जी होती है, अपनी विल होती है। अब इस सारी दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन यानी 800 करोड़ के करीब है। यानी वे सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। और परमेश्वर उनके जीवन में तब ही काम करेगा जब लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी विल को खत्म करके, उसे नजरअंदाज करके परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा को, उसकी विल को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि आप डॉक्टर बने, तो परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप डॉक्टर बने। वो अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोपेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। परमेश्वर आपको बता देगा कि आपके जीवन में उसकी इच्छा क्या है, पर वो कभी भी अपनी इच्छा आपके ऊपर थोपेगा नहीं। परमेश्वर आपको रास्ता दिखा देगा, पर उस पर चलना है कि नहीं ये आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इच्छा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको ऐसा बनाया है। अगर परमेश्वर ने अपनी मर्जी किसी पर थोपनी होती तो आज सारी दुनिया शांति में, पीस में और उद्धार पाई होती। अब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए कुर्बान तो किया, पर सारी दुनिया बचाई नहीं गई, क्योंकि ये लोगों का अपना फैसला है। वे लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये उनका अपना फैसला है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है या नहीं। ये लोगों की अपनी मर्जी है कौन सा रास्ता चुनना है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा था कि पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी तरह जब यीशु मसीह इस धरती पर थे वे भी अपनी मर्जी के मालिक थे। उनकी भी एक अपनी इच्छा, अपनी विल थी, अपनी मर्जी थी। यीशु मसीह इस दुनिया में क्रूस पर चढ़ने के लिए ही आए थे। अब पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि उनका बेटा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, पर ये यीशु मसीह की मर्जी थी कि वो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं या नहीं। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा, अपनी विल, अपने डिजायर्स को खत्म करके, उन्हें नजरअंदाज करके, उन्होंने अपने पिता यहोवा परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में अपनाया। बाइबल बताती है कि जब लोग तलवारें और लाठियां लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो उस समय पतरस ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका कान उड़ा दिया था। तब यीशु ने उसे कहा था कि अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। फिर मत्ती अध्याय 26 उसकी 53 आयत में यीशु ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक
मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। अब अगर यीशु मसीह चाहते तो वो हजारों स्वर्ग दूतों की सेना को उसी समय बुला सकते थे और ये सब होने से रोक सकते थे, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट अगले हफ्ते तक हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।